देखा दादा, टीवी हो गया साफ। देखो इसमें पूरा मेरा मुंह दिख रहा है। अरे बहुत चमका दिया तूने तो बिल्कुल ना। दादा और कुछ है साफ करने के लिए? नहीं नहीं बस आज के लिए इतना ही। तुम लोग आराम से बैठो, बाकी सब मैं कर लेता। ठीक है। वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। तो सुनकर ही बता सकता हूँ। प्रशांत इधर आ, बता मुझे ये कैसा बना है। हाँ मैं आता हूँ। हेलो। हेलो प्रशांत, तेरी कुछ बात हुई अंकिता से? मैं कब से उसको फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन लग नहीं रहा है। नहीं यार बात तो मेरी भी नहीं हुई है, मुझे लगता है इस वक्त वो ट्रेन में होगी तो इसलिए सिग्नल नहीं मिल रहा होंगे। तो पर तू चिंता मत कर, वो आ जाएगी। ओके देन, बस हम भी निकल ही रहे हैं घर से। ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है। ऑटो 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 आदर्श नगर। बाबा आई, जल्दी करो, ऑटो भी आ गए, अंकिता घर में पहुंची नहीं होगी। शशांक से का फोन था? हाँ शशांक का फोन था, वो अपने आई बाबा को लेकर निकल गया। वैसे तूने क्या बनाया? टेस्ट करा। कैसा बना है? गजब का पोहा है। सच कह रहे तू? अरे हाँ मेहमानों के लिए, एक पल के लिए तो मैं भूल ही गया था कि तूने बनाया है। तू इतना अच्छा पोहा बना सकती है? क्यों, मैं क्यों नहीं बना सकती? हाँ जरूर बना सकती है, पर तुझे हमेशा किताबों के साथ लड़ते झगड़ते देखा है ना, ये कलची पोहे तेरे साथ सूट नहीं करते। अरे बिल्कुल ताई जैसा पोहा बनाई। तो ताई से सीखा है तो ताई जैसे ही तो बनेगा ना। ताई से कभी, वो तो तुझे रसोई में भी नहीं घुसने देती। जब मैं पढ़ती थी ना तो एक नजर मेरी किताब पर रहती थी और दूसरी नजर ताई पर रहती थी, इसीलिए सीख गई। फिर तो तुझे मानना पड़ेगा। वो तो जीप जाप जुप, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सीधा कभी उल्टा, कभी एक कभी दो कभी तीन। का एक दो तीन है? कहाँ बने रसोई में? लाओ लाओ जरा लाओ, हमारे पास लाओ। ये इस वक्त कहां से आ गया? इस वक्त तो ये पीकर बाहर में पड़ा रहता है, इसे यहां से निकालना पड़ेगा। शशांक कभी भी अपने आई बाबा को लेकर आता ही होगा, अगर इस बेवड़े को यहां पर देखा तो सारी इज्जत यहीं धुल जाएगी। दिनों बाद बहुत अच्छी। ए मन्ना बेटा हमरा, ला ले क्या, कहाँ बनाया है बता मेरे को, ला ला ला। प्रशांत कुछ करना। गम तो पोहे की है। क्या बात है, पौवा के साथ पोहा, आज मजा आएगा हमरे को। ए ए प्रणव चल ग्लास लेके आ जा जल्दी। ये कम कर छुपा ले, वरना इस आदमी ने देख लिया ना सारा खा जाएगा। तो रुक मैं देखता हूँ। आज तू जल्दी घर कैसे आ गया? आज तूने इतनी मेहनत से 2000 रुपए कमाए, दोस्तों को शराब वराब नहीं पिला रहा क्या? हमरे को ताना कस रहा है तू है? हमरे को तो रुका लगता हम शर्मा जाएंगे। हमरी मेहनत से कमाया ही पैसे, हम जैसा हम चाहेंगे बैसन लुटाएंगे, पहले पुआ खाएंगे फिर यहां से जाएंगे। ला बेटा बन्ना, ला ला खाना लिया। अरे बाबा आप भी ना, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे जैसे कि आप पहली बार घर में आ रहे हो। आप तो जानते हो ना हम कितने गरीब हैं, खाने पीने के लिए कहाँ कुछ होता है हमारे घर में। तो ये खुशबू कहाँ से आ रही है साने? अरे बाबा ये तो बगल वाले काकी के घर से आ रही है। उनके घर में कुछ बनते रहता है, अभी भी कुछ बन रहा होगा है ना दादा? सची बहुत तेरी जाया से सारा मूल के किरा कर दी।
पी का है? बाबा तुझे पोहा खाने का इतना दिल है ना, चल आज मीट कप से खा ले। ससुर आज से कल तो कोई पैसे दिया नहीं हमरे को, एक भूटी कौड़ी नहीं दिए तुम लोग, आज का है नहीं चाहिए। ठीक है ला 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 हमरे को से पैसे नहीं छीनते आप लगे थे, चल जा काम करो जा। भगवान जब भी दे तो चप्पल फाड़ के दे, पहले फोकट के 2,000 फिर मफत के 100 रुपए, आज जसना बनता भी। हाँ हे बच्चा लोगन, हे पड़ोस की खुशबू से पेट भर लेना अपना, हम चलते हैं जश्न मनाने। जय राम जी की भैया। पैसे देने की क्या जरूरत थी तुझे, तेरी मेहनत की कमाई थी, वो भी 100 रुपए दे दिए तूने, 10 दिन का तेरा बस का भाड़ा निकल जाता। अरे छोड़ ना, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते मैं चलकर चला जाऊंगा। अभी चल बहुत काम पड़ा है, काम करते हैं। लेकिन प्रशांत तू नहीं समझेगी, इसको इस घर से निकालना बहुत जरूरी था, अभी जितने पैसे इसके पास है ना 3-4 घंटे तक लौट के नहीं आने वाला, और तब तक हम शशांक और उसके आई बाबा की अच्छे से खातिरदारी कर सकते हैं। सुन शशांक के आई बाबा पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, ये मुलाकात उनके लिए यादगार रहनी चाहिए। अर्जुन यू नो नरेन वापस आ गया। Of course I know, I heard. You know, Arjun, I was thinking कि अभी हमें ना उसका कोई मदद करने के लिए कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए होगा, उसके प्रोजेक्ट फाइल्स का रिकॉर्ड रखना वगैरह, उसकी मीटिंग शेड्यूल करना, फोन कॉल्स, कौन संभालेगा ये सब? How about मेरी जो पी है जिसे मैंने अभी अभी हायर किया। किसकी बात कर रहे हो? इग्मेट है वो लड़की जिसे रौनक ने नौकरी से निकाला था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग शादी जी, ये वही लड़की है। अंकिता रुशाली मैम, ये हमारी कंपनी में मेरी को ओनर। वेलकम अंकिता। सेम गर्ल अंकिता, शी इज रियली गुड, जस्ट अ सेकंड। रमेश कम हियर, शी इज रियली गुड जॉब। रमेश वो व्हाट्स हर नेम, क्या नाम है उसका, अंकिता, अंकिता मात्रे, उसे जाके बुला के लाओ प्लीज। वो तो चली गई सर। कहाँ गई? अभी अभी चली गई सर। अच्छा अभी अभी गई है तो वापस बुला लो, ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। ठीक है सर। शी इज रियली गुड एंड आई थिंक नरेन के वर्किंग स्टाइल को वो अच्छे से अडेप्ट कर पाएगी। What do you think? Let's see. Well, let's take a couple of minutes. चप्पल को भी अभी टूटना था, पता नहीं कैसे जाऊंगी, इतनी बारिश हो रही, घर तक जाते तो भीग जाऊंगी। लेकिन वो कौन था, मुझे क्या करना है, मुझे बस घर जाना है, अभी बस क्यों नहीं आ रही है जल्दी। टैक्सी कर लेती हूँ, लेकिन पैसे, इतने सारे पैसे कहां से दूंगी, कुछ मैनेज कर लूंगी, टैक्सी कर ही लेती हूँ। टैक्सी क्यों नहीं आ रही है? भैया भैया रुको ना भैया। भैया 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 रुको 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 भैया मुझे ना वो अंकिता मैम रुकिए रुकिए रुकिए, अरे अर्जुन सर आपको अर्जेंट बुला रहे हैं। अर्जुन सर ने? लेकिन अभी अभी क्यों? वो बड़े साहब हैं, मुझे कुछ पता नहीं है मैम। लेकिन तब मैं चलिए चलिए प्लीज जल्दी चलिए चलिए। किसने कहा कि बेमौसम बरसात अच्छी होती है? चलिए भी पी रखी है, कमाल है नहीं? ना बड़ा न चल रहा है,
क्या दारू पी गाय बैठा है सर? लोगों की अमीरी देखते ही ससुरा पेट में दर्द हो जाता है। ये आदमी को देख लो, का ससुरे की किस्मत है। ये महंगे कपड़े, सूट बूट, महंगी गाड़ी का कुछ नहीं है इसके पास। यहाँ पेपर में लिखा है कि एक वक्त था जब ये एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा था, और अब इसने अपना खुद का कारोबार खड़ा किया और कई सारी कंपनियां शुरू की इसने। भैया किस्मत हो तो ऐसी, वरना ना हो। अगर हमार या तुम्हार बाप कौनो बड़ा बिजनेसमैन होता ना, तो हम झोपड़े में नहीं बंगलों में होते। इस बार में बैठ के देसी नहीं, 5-स्टार होटल में बैठ के विलायती पीते। राघव, तू ये जो पार्टी दिया है ना, उसका आज पूरा बिल भर कर जाना। भर देंगे तेरा बिल, बड़े जा रसीद लेके दारू भी। दारू नहीं, पैक मिलेगा। ए, तो आगे नहीं आएगा। तो आप गौरी को छोड़ दे प्लीज। तो रुक जा, जा विष्णु सरेंडर कर दे। ए विष्णु, छोड़ के गई हमने तो गौरी। तोरा लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, हमने को अब भी छोड़ के चली गई। ये सब मानव देशमुख की वजह से हुआ है। सब ससुराल मानव देशमुख की वजह से हुआ है सब। उनके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे आप। सुनिए, आपको क्या हुआ? संभालिए अपने आप को, उठिए। कहाँ जाना है आपको? आज का अखबार पढ़ा आपने? देखिए ना इसमें क्या लिखा है। मुंबई के बड़े बिल्डर मानव देशमुख, उनका बेटा और उनकी होने वाली बहू घर से गायब हैं। किसी पहाड़ी से गिर गए हैं शायद, पुलिस अभी भी उन्हें ढूंढ रही है। ये देखिए उनकी फोटो भी छपी है। इनकी शक्ल आपसे कितनी मिलती है ना? बकवास बंद कर, कौन शक्ल नहीं मिलती देखिए हमने से। चल पैसे बता, पैसे कहाँ घर में? हमें नहीं पता। अपने भाई बहन का ख्याल रखना। हाँ मैं रखूंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा साथ निभाऊंगी। उनसे कहना कि उनकी पाइप पूरी नहीं थी, बस मजबूर थी, इसलिए इनका ख्याल नहीं रख पाए। सब ठीक हो जाएगा। और कहना कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, अपने आप से ज्यादा। इसमें कुछ नहीं होगा। ये बस कुछ कुछ नहीं होने देंगे हम तोरे को, ठीक हो जाएगी। हाँ शाबाश। कुछ नहीं हो सकता अब, ना तो मेरे पास समय और ना ही पैसे। जो भी पैसे आपके पास है उन्हें बच्चों के भविष्य के लिए संभाल कर रखिएगा। हमारा इलाज कराने से अब कोई फायदा नहीं। अगर आपको हमारे लिए कुछ करना है तो मुझसे एक वादा कीजिए कि आज के बाद से आप दारू नहीं पियेंगे,
और मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे और मेरी बहन रत्ना से शादी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपका, मेरे बच्चों का और इस परिवार का अच्छे से ख्याल रखेगी। कुछ नहीं होगा। वादा कीजिए हमसे कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। वादा करें। वापस रखो वापस इसको, जाके बाहर बैठो। ये सब मेहमानों के लिए, सोनू जाके बाहर बैठो। हाँ प्रशांत, देखती हूँ। शशांक सर, आप? ये मानसी है। मानसी, बाबा आई। खुश रहो बेटा। आप लोग अंदर आइए ना। ये है सोनू और ये है प्रणव। नमस्ते कंकी। नमस्ते बेटा। आप लोग बैठिए ना, मैं आप सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। आइए। प्रशांत आई नहीं? आई, शशांक आए। आई और काका के साथ। तू जाकर बैठना, मैं सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। नमस्ते। ये प्रशांत है। प्रशांत, अरे अंकिता कहां पर है यार? मैं बहुत देर से फोन लगा रहा हूं पर उठा नहीं रही। पता नहीं, ऑफिस से तो निकल गई होगी लेकिन शायद ये बारिश में। मतलब यहां पर सबको हमको हैंडल करना पड़ेगा। हाँ यार। शशांक सर, कांधा पोहा आपको बहुत पसंद है ना, लीजिए ना। हाँ हाँ, आना। थैंक यू सो मच। अच्छा बैठना प्रशांत। ये तुमने बनाया? जी काकी। क्यों, अच्छा नहीं बना क्या? बहुत अच्छे बने। तुम वहां से खड़ी हो, आओ ना मेरे पास। जी काकी। मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ, आप कौन? हेलो मैम जी, मैं एलन मीडिया ग्रुप फ्रॉम कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी चाहती है कि आपकी मॉम और आप मिलकर हमारे नए प्रोडक्ट लाइन का लॉन्च अटेंड करें। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। वैसे कब है आपका लॉन्च? नेक्स्ट वीक मैम। नेक्स्ट वीक? आई एम सो सॉरी, हम नहीं आ पाएंगे। एक्चुअली नेक्स्ट वीक मैं मुंबई जा रही हूँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। सो नेक्स्ट टाइम। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अरे यार परी, तो पायनियर ग्रुप के बारे में पता तो कर ले मुंबई जाने से पहले, विल बी हेल्पफुल। ओ वाओ, कंपनी तो काफी बड़ी है, प्रोफाइल्स भी अच्छे हैं। ओ माय गॉड, 100% प्रॉफिट रेशियो इन द लास्ट 20 इयर्स, दैट्स रिमार्केबल। मुझे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पता करना चाहिए, पता तो चले कौन है ये लोग जिन्होंने इतना बड़ा मिरेकल किया।
अरे ये क्या कर रही तू? पागल हो गई? ये फोटोज क्यों फाड़ रही है? आई मैं आपको इस आदमी के साथ कभी नहीं देखना चाहूंगी, मुझे नहीं पसंद है। पर हेलो सोनिया, कैंसिल माय इंडिया टिकट्स, मैं इंडिया नहीं जा रही हूं। पारी, न्याय से बात करने का टाइम है, मुझे इंडिया की ट्रिप के बारे में कुछ बात करनी है। तू सही कह रही थी, हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम ये प्रोजेक्ट करेंगे ही नहीं। मगर बेटा इस तरह अचानक? कुछ नहीं, वो मुझे कैलिफोर्निया से अलान मीडिया ग्रुप का फोन आया था, वो चाहते हैं कि हम उनका प्रोडक्ट लॉन्च करें नेक्स्ट वीक, तो हम वहीं जाएंगे। क्या करूं उस लड़की का मैं, कभी कुछ बोलती कभी कुछ, इससे तो फिर ट्रिप भी कैंसिल कर दी।